Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार भारतीय शासन और राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा के श्रृंखला में आज के एपिसोड में हम भारत में संघवाद या भारतीय संघवाद के बारे में विचार विमर्श करेंगे संघवाद भारत की जो पूरी व्यवस्था है हमारे शासन की उसकी एक बुनियादी विशेषता मानी जा सकती है मानी जाती है और इसके अंतर्गत हम यह मानते हैं कि हमारे देश में सत्ता का केंद्रीकरण सिर्फ एक स्थान पर केंद्रित नहीं है बल्कि अलग अलग ऐसे कई आ, अंग हैं जिनके पास सत्ता केंद्रित है यानी कि केंद्र है और राज्य सरकारें हैं और वर्तमान दौर में आ, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो तीसरे स्तर तक पहुंचा है पंचायती राज और नगर निकायों के द्वारा ऐसा भी तर्क बहुत से विद्वानों के द्वारा दिया गया है और इस तर्क में काफ़ी वजन भी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से अगर हम भारत के संघवाद के बारे में या भारतीय संघवाद के बारे में समझना चाहते हैं तो यह काम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है कि आखिर किन परिस्थितियों में मौजूदा संघवाद का स्वरूप हमारे देश के संविधान में अपनाया गया किन परिस्थितियों से गुजरते हुए यह वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है क्या वर्तमान स्वरूप में इसमें कुछ खास तरह की विशिष्टताएं उभर कर सामने आई हैं और अगर ये विशिष्टताएं सामने आई हैं तो उन्हें हम किस तरीके से देख सकते हैं कैसे समझ सकते हैं आज की इस पूरी परिचर्च पूरी चर्चा में हम इन्हीं बिंदुओं पर गहराई से बात करेंगे हमारी पूरी चर्चा कुछ ख़ास बिंदुओं से होकर गुजरेगी सबसे पहले हम संघवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करेंगे उसके बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का संघीय ढांचा हमारे देश के संविधान में दिया गया है उसके बाद भारतीय संघवाद एक असिमेट्रिकल या विषम संघवाद के रूप में है या नहीं है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हम एक तरीके का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम विधायी प्रक्रिया प्रशासनिक संबंध और वित्तीय और या और आर्थिक संवाद संघवाद ये जो विषय हैं इन पर बातचीत करेंगे इसके बाद हम यह देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को सुदृढ़ करने के लिए उनके बीच में समन्वय करने के लिए किस तरह के मंचों या फोरम की व्यवस्था रही है उसके बाद हम यह समझने के प्रया का प्रयास करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो दबाव पैदा हुए हैं वहाँ की विशिष्टताओं के कारण वहाँ चलने वाले विविध आंदोलनों के कारण उसका हमारे देश के संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है फिर हम स्थानीय सरकार जिसे कि संघवाद का तीसरा स्तर माना जा सकता है उसके बारे में विचार करेंगे और उसके बाद हम दलीय व्यवस्था और गठबंधन सरकारों के संदर्भ में संघवाद को देखेंगे और फिर हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायिक व्याख्याओं में संघवाद को किस रूप में देखा गया है आखिर में हम इस बात पर गौर करेंगे कि जिस तरह के बदलावों की बात सन नब्बे के दशक के बाद के दौर में भारतीय संघवाद के संदर्भ में की जाती रही है क्या वो बातें उन्नीस में नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन के बाद और 2019 में दूसरी बार इस सरकार का चुनकर इस सरकार के चुनकर आने के बाद भी वैध हैं या उसे समझने के लिए या उनकी व्याख्या करने के लिए हमें कुछ नए तरह के विचारों की आवश्यकता है दूसरे शब्दों में हम आखिर में इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले छः सालों में जो हमारे देश की राजनीति में बदलाव हुए हैं उसे हम संघवाद के नज़रिए से कैसे देख सकते हैं भारत में संसदवाद के साथ संसदीय यानी कि संसदीय व्यवस्था के साथ संघवाद को अपनाया गया है यह दोनों आपस में काफ़ी हद तक अंतरविरोधी विचार माने जाते हैं यहाँ हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा यानी कि एक संघ का विचार बुनियादी रूप से संविधान के पहले अनुच्छेद में ही रखा गया है बहरहाल ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके का दो विचार संसदवाद और संघवाद को हमारी व्यवस्था में सामने लाने की कोशिश की गई है वह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग माना जा सकता है क्योंकि संसदीय सरकार में विधायी सर्वोच्चता पर जोर दिया जाता है संसद की सर्वोच्चता होती है और संसद ही हर चीज़ को निर्धारण करने वाला निकाय होता है हर चीज़ को निर्धारण करने वाली संस्था होती है लेकिन संघवाद ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो कि विकेंद्रीकरण पर निर्भर होती है निर्भर होता है और इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि जो शक्ति है वह किसी भी एक आ, सत्ता में केंद्रित नहीं होती है बल्कि उसका अलग अलग भागों में विभाजन होता है मिसाल के तौर पर अगर हम मोटे तौर पर संघवाद की बात करें तो एक केंद्र के हाथों में शक्ति होती है और दूसरी शक्ति जो होती है वह प्रांतों या राज्यों के हाथों में होती है और जब हम तीसरे स्तर पर संघवाद की बात करते हैं तो कुछ शक्ति विकेंद्रित होकर पंचायती राज के पास या फिर शहरी नगर निकायों के पास चली जाती है देश की विविधता और बड़े आकार को देखते हुए इन दोनों को अपनाने को आवश्यक माना गया और विभाजन के अनुभवों ने एक मजबूत केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया यह कैसे हुआ इस पर हम कुछ देर बाद वापस आएंगे सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए थोड़ा और पीछे जाते हैं और हम यह देख सकते हैं इस बात को महसूस कर सकते हैं आ, अगर हम इतिहास के विद्यार्थी हैं तो भी और अगर हम इतिहास पर एक सरसरी निगाह डालें तब भी कि हिंदुस्तान में हमेशा से ही यह प्रवृत्ति रही है कि पूरा शासन एक हाथों में कभी भी केंद्रित नहीं रहा है अगर एक तरह का साम्राज्यवादी शासन रहा भी है या एक ऐसा शासन रहा है जब कोई मजबूत केंद्र हो मिसाल के तौर पर अकबर के समय में या उसके पहले भी हम जाएं तब भी जो प्रांतीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं रही हैं वह काफ़ी हद तक स्वायत्त रही हैं स्वायत्त इस अर्थ में कि जो उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियां होती हैं और वहां पर स्थानीय स्तर के अनुसार जो फैसले लिए जाते थे उन सभी पर केंद्र का बहुत ठोस नियंत्रण होता था ऐसा नहीं था तो और इसके अलावा उनसे अलग होकर तो बहुत यानी बड़े बड़े साम्राज्यों से अलग होकर भी कई छोटे छोटे राज्य हमेशा फलते फूलते रहते थे तो एक तरीके की संघात्मकता एक तरीके का फेडरल कैरेक्टर हम हिंदुस्तान के इतिहास में देख सकते हैं अंग्रेजों के शासन आने के बाद उन्होंने आ, हिंदुस्तान को भारत को अलग अलग तरीके से आ, एक सूत्र में गूंथने का प्रयास किया जनसंख्या की गणना जनसंख्या आरंभ की और जनगणना के कारण जो जन जनसंख्या की गणना शुरू हुई उसके कारण और कई अन्य तरीके की जो प्रणाली वो लेकर आए उससे हिंदुस्तान एक सूत्र में बंधा और उन्होंने केंद्रीकरण पर ज़्यादा जोर दिया अपने आरंभिक दौर में किंतु अपने शासन के दूसरे भाग में उन्होंने प्रांतों को शक्तियाँ देने पर ध्यान केंद्रित किया और आ, उन्होंने कोशिश की कि जो प्रांत हैं उन्हें भी शक्तियाँ प्रदान की जाए और यहाँ पर जो मुख्य जोर हमारा है वह बीसवीं सदी के बाद के दौर में खासतौर पे अगर हम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को देखें और 1935 के भारत शासन अधिनियम को देखें तो हम यह पाएंगे कि इन दोनों ही अधिनियमों में प्रांतों को शक्तियां देने की बात कही गई है और 1935 का जो अधिनियम है वो प्रांतीय स्तर पर लागू हुआ कभी भी इसे केंद्र स्तर पर लागू नहीं किया गया लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात थी 1935 के शासन के अधिनियम में उसमें भी एक तरह की संघ सूची और फिर राज्य सूची और उसके बाद संवर्ती सूची की व्यवस्था थी और अवशिष्ट शक्तियों शक्तियाँ जो थीं वह प्रांतों को दी गई थी अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ यह होता है कि ऐसी शक्तियाँ जिनका उल्लेख विभिन्न सूचियों में ना हो तो इस लिहाज से ये जो पूरी व्यवस्था थी वह प्रांतों की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी लेकिन जब हम यह कहते हैं कि भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को अपनाया गया कि आ, एक तरफ संसदवाद हो और दूसरी तरफ संघवाद तो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि जब देश का विभाजन हुआ तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और संविधान निर्माताओं को आ, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं को यह महसूस हुआ कि अगर देश की एकता को सुनिश्चित रखना है तो एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है जब आ, हम लोग संविधान निर्माण के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में एक कमज़ोर केंद्र की परिकल्पना थी एक ऐसा केंद्र जिसके पास विदेश मामले की और संचार की और कुछ हद तक वित्त की बातें थीं पर बाकी सारी जो मसले थे वो राज्यों या प्रांतों के हाथों में छोड़ दिए गए थे तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रांतों के पास स्वायत्तता काफ़ी थी लेकिन उसके बाद देश का विभाजन होता है और संविधान सभा की बातचीत का जो एक तरीका था उसमें यह चिंता काफ़ी प्रमुखता से सामने आ जाती है कि देश की एकता को सुरक्षित रखना है और ऐसी ही स्थिति में संघात्मकता के साथ साथ संसदवाद को अपनाया जाता है और जिस तरीके से संघात्मकता को अपनाया जाता है संघीय विचार को अपनाया जाता है वह भी एक हद तक केंद्र की ओर झुका हुआ होता है उसमें जो केंद्र के पास शक्तियाँ होती हैं उसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ सामने रखा जाता है और इसी संदर्भ में एक बहुत बड़े विद्वान जो जिन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का माना जाता है के वियर उन्होंने यह कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो अर्धसंघीय है और बाद में अर्धसंघी का अर्थ यह है कि संघवाद पूरी तरीके से यहाँ पर लागू नहीं है और कुछ हद तक संघवाद के सिद्धांतों को अपनाया गया है हालांकि बाद में यह कहा गया कि इसमें जो संघवाद की प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं लेकिन उस समय के विश्लेषण में यही बात सामने रखी गई कि केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ इसमें इतनी ज़्यादा हैं कि संघवाद सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाता है अब इस तरह की व्याख्या के पक्ष में यानि कि नाम मात्र का संघवाद रह जाने के पक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं इसमें जो सबसे पहली बात कही जाती है वह यह कि हिंदुस्तान में एकल नागरिकता का प्रभाव का प्रभुत्व है एकल नागरिकता का अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उसके पास भारत की नागरिकता है और बिहार की या भारत की नागरिकता है और आंध्र प्रदेश की हर किसी के पास जो भी हिंदुस्तान में है उसके पास एक ही राज्य की नागरिकता है और एक ही राष्ट्र राज्य की नागरिकता है वह भारत और वह किसी प्रांत की नागरिकता लेकर आगे नहीं बढ़ता है तो एक तरीके से जो संघवाद के भीतर की जो एक बुनियादी चीज़ होती है कि जो घटक होते हैं उनके अस्तित्व को मान्यता दी जाती है वो हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है दूसरे स्तर पर आ, हिंदुस्तान या भारत के संविधान में एक विस्तृत संघ और समवर्ती सूची है और संघ और संवर्ती सूची जो है उसमें जो प्रमुख बात है वह यह कि संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर भी आ, जब टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र के कानूनों को मान्यता मिलती है जो ऑफसिस्ट या रेजिडरी पावर्स होते हैं वो केंद्र के हाथों में होते हैं आपातकालीन स्थितियों में केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर भी नियम या कानून बना सकता है तो इस लिहाज से जो स्थिति है घटकों की या प्रांतों की राज्यों की आ, वो कमज़ोर है तीसरे स्तर पर यह कहा जाता है कि राज्यों की सीमा तय करने का संसद का अधिकार है और इस संदर्भ में वह आ, राज्य जो है उसका कुछ खास आ, उसकी आवाज़ का कोई ख़ास महत्व नहीं होता है और उससे एक बार बस परामर्श लिया जाता है और उसके बाद अगर वो इससे मनाही भी करता है तब भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो संसद में प्रस्ताव लाकर राज्यों की सीमा में बदलाव कर सकती है इसके बाद एक साझा एकीकृत पदसोपान वाले न्यायालय की व्यवस्था है तो न्यायालयों की जो पूरी व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च न्यायालय है फिर राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं तो अधीनस्थ न्यायालय में राज्य स्तर की कुछ विशिष्टताएँ आ सकती हैं पर मोटे तौर पर जो उच्च न्यायालय हैं और सर्वोच्च न्यायालय हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अधीनस्थ न्यायालय भी पूरी तरीके से स्वायत्त नहीं है लेकिन कुछ मामलों में बहुत ऐसे छोटे मामलों में जहाँ पर जिन विषयों पर राज्य सूची के अंतर्गत नियम बनता है उन उसके भीतर कुछ हद तक वे अलग तरीके से काम करते हैं लेकिन पूरा ढांचा जो है वो एकीकृत है साझा है एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था है इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं का एक अनूठा कैडर है अब जो आई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस के अंतर्गत जो भी अधिकारी चुने जाते हैं वो केंद्र में भी काम करते हैं और वो राज्यों के भीतर भी अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं इसके अलावा केंद्र द्वारा नियुक्त योजना आयोग है जो कि 2014 तक रहा उसके बाद नीति आयोग ने उसका स्थान लिया तो इसका जो पूरा काम करने का तरीका रहा है इन दोनों आयोगों का उसमें केंद्र के पास ऐसी शक्ति रही है कि वो राज्यों को विभिन्न राज्यों को संसाधन आवंटित करें और इस लिहाज से एक तरह की शक्ति आर्थिक संसाधनों के वितरण की केंद्र के पास रही है सातवें स्तर पर अगर हम देखेंगे तो एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है लंबे समय तक और कांग्रेस पार्टी के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से लेके अगर हम उन्नीस तक की राजनीति की बात करें तो कुछ समय को छोड़कर मिसाल के तौर पर 1977 से लेकर 80 के बीच के दौर को और कुछ राज्यों में अलग अलग समय पर विभिन्न पार्टियों के उभार को अगर हम छोड़ दें तो मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है इसी के तरह 2014 के बाद एक दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई तो इन दोनों ही स्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ पर केंद्र में मजबूत सरकार रही और इसने काफ़ी हद तक राज्यों की जो एक विशिष्टता होती है या उनका जो अपना अधिकार होता है या उनकी जो अपनी आवाज़ होती है उसको बहुत खुलकर उभर कर सामने नहीं आने दिया हालांकि उन्नीस के बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर पर परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में और ये जो परिवर्तन राजनीति में हुआ उसमें क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन सरकार का दौर आया तो इसके कारण से एक ऐसी स्थिति आई जिसके बारे में माना जाता है कि प्रांतों को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुई और डगलस वर्नी जैसे विचारकों ने यहाँ तक कहा कि भारत अर्ध संघवाद से अर्ध परिसंघवाद की तरफ जा रहा है जिसका अर्थ यह है कि जो यहाँ के जो घटक हैं इस संघीय व्यवस्था के वह ज़्यादा मुखर ज़्यादा शक्तिशाली ज़्यादा प्रभावी होकर सामने आ रहे हैं तो अब ये जो पूरी व्यवस्था है उन्नीस के बाद का जो परिवर्तन है जिसे डगलस वर्णि क्वासी कॉन्फेडरलिज्म या अर्ध परिसंघवाद की संज्ञा दे रहे हैं और उसके बाद 2014 की स्थिति है उसके बारे में आखिर में हम थोड़े और विस्तार से बातचीत करेंगे लेकिन मोटे तौर पर जो चीज़ हमें समझकर रखनी है वह यह कि भारत का जो संघवाद है उसकी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में यह तर्क मजबूती से दिया जाता है और काफ़ी सही तरीके से दिया जाता है कि यह अर्धसंघवाद के रूप में है क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और व्यवहार में जिस तरीके से इस संघवाद ने काम किया उसमें भी कम से कम एक बड़े समय तक बड़े समय अवधि तक वह केंद्र के पक्ष में ही झुका रहा है तो इन सभी पहलुओं पर आगे हम और विस्तार से बातचीत करेंगे लेकिन यहाँ हम एक दूसरे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू पर पहले विचार कर लेते हैं और इसका इस पहलू का अर्थ यह है कि क्या भारतीय संघवाद एक तरीके का ऑसेमेट्रिकल संघवाद है अब अगर हम और और सेमेट्रिकल और असेमेट्रिकल की बात करें तो जो सबसे सामान्य शब्दों में इसे समझा जा सकता है वह यह है कि कोई संघवाद सेमेट्रिकल व्यवस्था के रूप में तब होता है जब उसमें जितने सारे घटक होते हैं सबके बराबर हैसियत होती है लेकिन अगर संघवाद के भीतर कुछ घटकों की विशिष्ट स्थिति होती है तो उसे हम असिमेट्रिकल संघवाद या विषम संघवाद के रूप में देख सकते हैं यानी कि संघवाद के भीतर किसी एक घटक को कुछ खास तरीके की विशिष्टता कुछ खास तरीके की छूट मिले होने की स्थिति असिमेट्रिकल संघवाद का अगर मूल रूप में अर्थ देखें तो जैसे मैंने उल्लेख किया कि संघ की भिन्न भिन्न इकाइयों की अलग अलग शक्तियाँ या उनके लिए अलग अलग प्रावधान भारत में संवैधानिक स्तर पर कुछ विषम संघवाद के प्रावधान मौजूद हैं जम्मू और कश्मीर अभी जम्मू और कश्मीर की धारा 370 को खत्म हो कर दिया गया है लेकिन उसके पहले तक जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के कारण एक विषम संघवाद की स्थिति थी यानी कि हिंदुस्तान के संघवाद के जो अलग अलग तरह के घटक हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं उनके पास जो आ, एक उनकी जो स्थिति है उससे अलग जम्मू और कश्मीर की स्थिति रही है नागालैंड को अभी भी अनुच्छेद तीन ए सिक्किम को अनुच्छेद तीन एफ मिज़ोरम को अनुच्छेद तीन जी के तहत विशेष तरह के आ, प्रावधान उनके लिए किए गए हैं उसी तरीके से अगर हम संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची की बात करें तो वहाँ भी आ, एक अलग तरह की व्यवस्था है जो कि देश के संघीय व्यवस्था के अन्य घटकों के लिए नहीं है मिसाल के तौर पर अगर हम पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो पाँचवीं अनुसूची में वो आदिवासी क्षेत्र आते हैं जो कि उत्तर पूर्व में नहीं है पर देश के अन्य भागों में हैं इसमें मुख्य रूप से झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान आंध्र प्रदेश तेलंगाना और पश्चिम बंगाल गुजरात जैसे राज्यों में जो जो और उड़ीसा इन सभी राज्यों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें पाँचवीं अनुसूचित चे, क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है अब यहाँ पर संविधान का प्रावधान यह कहता है कि कोई भी कानून उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक जिन राज्यों में ये क्षेत्र हैं वहाँ के राज्यपाल उन कानूनों को इन क्षेत्रों में लागू होने का आदेश ना दे दें या ऐसी स्वीकृति ना दे दें तो ये एक विशिष्ट तरह की स्थिति इनके लिए है इनके लिए बाद में अलग से एक पेशा कानून बना जिसमें कि इन्हें विशेष तरह की शक्तियाँ प्रदान की गई कुल मिलाकर जो चीज़ अभी हमें याद रखने की आवश्यकता है वो ये कि देश के एक बड़े भूभाग में अलग तरीके की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था देश की संघीय व्यवस्था के अन्य घटकों की तुलना में अलग है विशिष्ट है और इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक तरीके की आ, असेमेट्रिकल फेडरलिज्म को आगे बढ़ाता है पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के बारे में एक अलग एपिसोड में हम बात करेंगे जब हम थर्ड लेयर ऑफ फेडरलिज्म या फिर पंचायती राज की बात करेंगे और कुछ हद तक आदिवासी मुद्दों की बात करेंगे तब बहरहाल कई ऐसे विद्वान हुए हैं मसलन टार्डलन और बैरी जिन्होंने की असमेट्रिकल फेडरलिज्म को पृथकतावाद को बढ़ाने वाला सेपरेटिज्म को बढ़ाने वाला या दो तरह की नागरिकता को सृजित करने वाला माना है वहीं विल किमलिका, चार्ल्स टेलर इत्यादि लेखक यह तर्क देते हैं कि इससे बहुसंस्कृतिक राष्ट्रों के विभेदों को मान्यता देने उन्हें समायोजित करने में सहायता मिलती है यानी कि अगर हम यह मानकर चलते हैं कि एक ऐसा देश है जिसमें कि अलग अलग समूह हैं जो बहुत बड़ा है बहुत विविधता से पूर्ण है तभी हम संघवाद को अपना रहे हैं अब उस संघवाद में कई ऐसे समूह हो सकते हैं आ, और विल किमले और चार्ल्स टेलर इसका समर्थन करते हैं कि जो ऐसे समूह होते हैं उनके अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं वो अपने आप को बाकी से अलग मानते हैं तो उनकी विशिष्टता को मान्यता देने के लिए उनकी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके की स्थिति अपनाई जा सकती है तो हिंदुस्तान के हमारे देश के संविधान में जो एसीमेट्रिकल फीचर्स हैं उन्हें हम सिर्फ पृथकतावादी सोच को बढ़ावा देने वाला नहीं मान सकते हैं बल्कि हमें यह देखना होगा यह स्वीकार करना होगा कि ये अलग अलग क्षेत्रों की जो विविधताएं हैं उनकी जो विविध आकांक्षाएं हैं उनको एकोमोडेट करने का या उनको एडजस्ट करने का काम करता है और उन्हें एक तरीके का स्थान देने का काम करता है और इसीलिए हमारे देश के संविधान सभा के सदस्यों ने भी इस तरह की विशिष्टता को स्वीकार किया था तो हमेशा ही हम इसे एक नकारात्मक तरीके से नहीं देख सकते हैं असमेट्रिकल फेडरलिज्म जो एक फेडरलिज्म का रूप है वह विशिष्टताओं को एक साथ रखने और एक राष्ट्र राज्य की विविध आवाज़ों को साथ लेकर एक संघीय ढांचा तैयार करने का एक बेहतर तरीका है ऐसा माना जा सकता है और हमारे सम हमारे संविधान में भी ऐसे फीचर्स मौजूद हैं अब हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विचार करेंगे भारत की जो संविधान की जो सातवीं अनुसूची है उसके अंतर्गत तीन तरह की सूचियों की व्यवस्था की गई है ये तीन सूचियाँ हैं संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची संघ सूची में 97 या संतानवे विषय हैं राज्य सूची में छाछठ विषय हैं और संवर्ती सूची में फोर्टी सेवन या सैतालीस विषय हैं अवशिष्ट शक्तियाँ पावर्स केंद्र के पास हैं यानी कि ऐसी शक्तियाँ जिनका कि इन सूचियों के भीतर उल्लेख नहीं है समवर्ती सूची के कानूनों में टकराव होने पर संसद के कानून मान्य होंगे ऐसी व्यवस्था की गई है बयालीसवें संशोधन के द्वारा चार मसलों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया गया यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया रही है जिससे कि इस पूरी सूची में भी रद्दो बदल किया जाता रहा है फिर बदल किया जाता रहा है पहला तो बयालीसवीं संशोधन के द्वारा जिन चार विषयों को लाया गया वो इस प्रकार हैं पहला राज्य में न्याय का प्रशासन तथा निम्नतर अदालतों का गठन दूसरा वन तीसरा शिक्षा और चौथा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन अब राज्य सूची से इन विषयों को समवर्ती सूची में लाने का क्या अर्थ है इसका अर्थ यह है कि अब इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं और अगर राज्य और केंद्र के कानून में कोई टकराव की स्थिति पैदा होगी तो केंद्र का कानून मान्य होगा तो इस लिहाज से ये एक तरीके से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को ही दिखाता है नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में इन विषयों में क्रमशः तेरह और चौदह बार बदलाव किए गए जिससे केंद्र की शक्ति बढ़ी हालांकि उन्नीस के बाद यह प्रवृत्ति कम हुई तो अगर केंद्र की स्थिति मजबूत है तो केंद्र संविधान संशोधन के द्वारा विभिन्न विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है क्योंकि विषयों की इस फेरबदल से केंद्र यानी कि अगर वो इसे राज्य सूची में जाते हैं तब तो राज्य की स्थिति मजबूत होगी लेकिन अगर वो समवर्ती सूची या केंद्र सूची में आएंगे तो केंद्र की स्थिति ही मजबूत होगी और इसके बारे में एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि जब केंद्र में एक मजबूत सरकार रही है तो उसने इस तरीके के बदलावों को बढ़ावा दिया है लेकिन एक कमजोर सरकार होने की स्थिति में ऐसा नहीं हुआ है और उन्नीस नवासी के बाद जब गठबंधन का दौर आया तो इस तरह की प्रवृत्तियां काफ़ी कम हुई विधाई प्रक्रिया में हस्तक्षेप की भी केंद्र के पास शक्ति मौजूद है संविधान का अनुच्छेद दो अनुच्छेद 200 संघ के को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों की विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है और इसके इस संदर्भ में राज्यपाल के पास शक्ति है कि अगर राज्यपाल के पास कोई बिल भेजा जाता है तो वह उसे केंद्र के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है तो यह एक तरीके से केंद्र के पास अद्भुत तरह की शक्ति दे देता है क्योंकि अगर केंद्र सरकार को यह एहसास होता है कि कोई एक ऐसा बिल है जो कि उसकी शक्ति पर बुरा बुरा प्रभाव डाल रहा है या उसकी मर्जी के अनुसार नहीं है या संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है या वह भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो वह ऐसे बिल को राज्यपाल के माध्यम से अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है इसके लिए कोई समय अवधि नहीं है कि वह कितने समय तक इस विधेयक पर विचार करेगा वह अनंत समय तक भी इसे अपने पास रख सकता है तो ये एक तरीके से राज्य की पूरी जो विधाई क्षमता है उसको काफ़ी कमज़ोर कर देता है हालांकि इस शक्ति का ऐसा नहीं है कि लगातार आ, केंद्र के सरकार के द्वारा प्रयोग किया गया है राज्यों की विधाई क्षमता को नियंत्रित करने के लिए लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति है जिससे केंद्र को ज़्यादा शक्ति विधायी मामलों में मिल जाती है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ने 1988 में आ, राज्यपाल की इस शक्ति को खत्म करने के की अनुशंसा की उन्नीस सौ में सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसके बाद एम एम पुंछी आयोग भी बना था केंद्र राज्य संबंधों पर 2010 में इसने भी यह कहा कि राज्यपाल को ऐसे सभी विधेयकों को छः महीने के भीतर निपटा देना चाहिए यानी कि अगर राज्यपाल चाहे तो ऐसे विधेयकों को विचार के लिए रख सकता है लेकिन वह अनंत काल तक ऐसा नहीं कर सकता है उसे छः महीने के भीतर इन विधेयकों के बारे में एक ठोस फैसला ले लेना चाहिए अगर हम प्रशासनिक संबंधों के बारे में विचार करें तो हम ये पाएंगे कि कई तरीके के ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि प्रशासनिक संबंधों में भी एक तरह की मजबूत स्थिति केंद्र की है अनुच्छेद दो में एक तरह से सहयोगी संघवाद का प्रावधान किया गया है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का इस तरह प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य को दिशा निर्देश भी दे सकती है तो आ, ये एक ऐसी स्थिति है जो कि केंद्र सरकार को मजबूत स्थिति में रखती है राज्यों की तुलना में अनुच्छेद दो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने के लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है यानी कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से अपने मन से सीधे आ, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से समझौता नहीं कर सकता है हालांकि वैश्वीकरण के दौर में इसे लेकर राज्यों ने कुछ हद तक असंतोष जाहिर किया सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए लेकिन केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद उन्हें वापस ले लिया गया और हम यह देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अब सीधे तौर पर अपने यहाँ पूंजी निवेश को आमंत्रित करने का कार्य करते हैं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा किया कई अन्य राज्यों में हम यह प्रवृत्ति देख सकते हैं तो वैश्वीकरण के दौर में अब इस चीज़ को कि हर बार जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौते की तरफ बढ़ें किसी कंपनी से कोई साझा एग्रीमेंट करने की कोशिश करें तो उसमें आपको केंद्र सरकार की सहमति या अनुमति की जरूरत है या संसदीय कानून की आवश्यकता है इसे अब एक बहुत आदर्श स्थिति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है राज्यपाल द्वारा भी केंद्र राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखता है आ, ये एक बहुत ही स्पष्ट सी स्थिति है जिसके बारे में आ, हम सब वाकिफ हैं अगर हम थोड़ी भी रुचि रखते हैं अपने आसपास की राजनीति पर अपने देश की राजनीति के बारे में अपने राज्य की राजनीति के बारे में तो इसमें इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है कि जो राज्यपाल हैं वह केंद्र के दूत के रूप में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं हर राज्य में और जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर केंद्र के सत्ताधारी दल का हित होता है तो राज्यपालों की आम तौर पर अधिकांश मामलों में यह कोशिश होती है कि वे संविधान के प्रावधानों का इस प्रकार उपयोग दुरुपयोग करें जिससे कि केंद्र की जो का जो दल है केंद्र में जो शासन वाला दल है जिसने उसे राज्यपाल बनाया है उसका हित पूरा हो सके तो इस संदर्भ में धारा तीन सौ छप्पन के दुरुपयोग का भी उल्लेख किया जा सकता है बार बार इस तरीके का दुरुपयोग होता रहा है लेकिन एस आर बुमई एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ला दिया और इसके बाद इसमें काफी हद तक कमी आई जो ये पूरी तरीके से राज्यपाल की भूमिका है उसके बारे में हम एक अन्य संदर्भ में आगे जब न्यायिक व्याख्या की बात करेंगे तो राज्यपाल और धारा तीन पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इसका काफ़ी महत्व है केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति को बदलने में लेकिन हम इतना ज़रूर अभी यहाँ याद रख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास के लंबे समय पे तक जो धारा तीन है और उसके संदर्भ में जो राज्यपालों की भूमिका है वह केंद्र के हाथों में एक, एक ऐसी शक्ति रही जिसके द्वारा केंद्र राज्य सरकारों को नियंत्रित करता रहा आ, सरकारिया कमीशन ने जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर एक महत्वपूर्ण कमीशन था उसने यह अनुशंसा की कि राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों के परामर्श को महत्व दिया जाना चाहिए आपातकाल लागू होने पर केंद्र अपने आदेश राज्यों पर लागू कर सकता है ये और राज्य सूची के विषय पर कानून भी बना सकता है यह अनुच्छेद तीन सौ तिरपन में बात कही गई है तो एक तो पहले हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो बहुत ही एक नाम मात्र की प्रक्रिया के तहत ऐसा होता है जब आमतौर पर तीन में से एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाने के संबंध में कई बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाती है लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उस श्रेणी में आ सके और या फिर मुख्यमंत्रियों के सलाह से व्यक्ति को लिया जाए तो ये तो एक राज्यपाल की बात हो गई दूसरा जो आपातकाल की स्थिति है तो बाकी सारी प्रशासनिक धारा तीन सौ छप्पन भी एक तरीके का आपातकालीन स्थिति के रूप में ही है संविधान में लेकिन इसके अलावा भी अगर आंतरिक आपातकाल लग जाए तो उस स्थिति में भी जो संघीय प्रावधान हैं वो एक तरीके से निलंबित हो जाते हैं और जो केंद्र सरकार होती है वह राज्यों पर अपने आदेश को लागू कर सकती है या फिर वह राज्य के विषय पर कानून बनाने की पहल भी कर सकती है आपातकाल के दौरान केंद्र अनुच्छेद दो और दो के प्रावधानों से अलग हटकर राज्यों को संसाधनों का वितरण कर सकता है यानी कि जो संविधान की स्थापित प्रक्रिया है उससे अलग हटते हुए भी आ, केंद्र सरकार काम कर सकती है अनुच्छेद 355 केंद्र या केंद्र सरकार को यह दायित्व तो देता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे और ऐसा करने के लिए वह राज्य को निर्देश या सहायता दे सकता है या फिर आखिरी स्तर के रूप में वह धारा तीन सौ छप्पन का प्रयोग कर सकता है तो हम यह देख सकते हैं कि प्रशासनिक संबंधों के स्तर पर भी काफ़ी हद तक केंद्र की स्थिति मौजूद है आ, मजबूत है केंद्र सरकार के पास कई ऐसे साधन हैं जिससे कि वो राज्यों को अपने मन मुताबिक काम करने के लिए बाध्य या मजबूर कर सकता है और अगर आपातकालीन उपबंधों का अगर वो उपयोग करने लगे तो निश्चित रूप से उस स्थिति में राज्य सरकारों का या संघीय ढांचे का भी हम कह सकते हैं कोई खास अस्तित्व नहीं बचता है हालांकि आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग करना अब उतना आसान नहीं रहा एक बोमई जजमेंट के कारण जिसके बारे में हम थोड़ा आगे और विस्तार से बात करेंगे और दूसरा ये कि जो चवालीसवां संविधान संशोधन हुआ उसके कारण और एक बार जब आंतरिक आपातकाल हिंदुस्तान में लागू किया गया उसके अनुभव के कारण अब कोई भी राजनीतिक दल आंतरिक आपातकाल की के जो प्रावधान हैं उसको लागू करने की आम तौर पर हिम्मत नहीं जुटा पाता है क्योंकि एक आम सहमति बन चुकी है कि वह एक बहुत ही बुरा कदम था बहरहाल अगर हम वित्तीय और आर्थिक संघवाद की बात करें तो हम यह पाएंगे कि 1990 के बाद बढ़ते संघीयकरण और नई आर्थिक नीतियों के कारण राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है अब ज़्यादा विकसित राज्य निजी क्षेत्र से सहयोग करने लगे हैं इसमें इससे पिछड़े राज्य नुकसान की स्थिति में आ गए हैं संविधान में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय संबंधों के नियमन के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था है तो ये तो खैर ऐसा बिंदु है जो पहला बिंदु है वैश्वीकरण के दौर में आ, राज्यों की स्थिति का के के का मजबूत होने के कारण जो संपन्न राज्य उनके फ़ायदे होने की स्थिति वह काफ़ी साफ तौर पर दिखती भी है और जो राज्य पिछड़े हैं जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं कानून व्यवस्था की समस्या है शिक्षा पर पिछड़ेपन की स्थिति है वहाँ आम तौर पर जो निजी क्षेत्र के पूंजीपति हैं वो अपना पूंजी निवेश करने से झिझकते हैं अब वो चाहे हिंदुस्तान के पूंजीपति हों या फिर बाहरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों तो ऐसी स्थिति में ये एक आ, ऐसी स्थिति बनी है वैश्वीकरण के दौर में आ, भारत के द्वारा उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपनाने के बाद जिसके चलते जो गरीब राज्य हैं वो नुकसान की स्थिति में रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है हम गुजरात और महाराष्ट्र को एक तरफ रख सकते हैं और दूसरी तरफ बिहार और पश्चिम बंगाल को रख सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि किन राज्य में किस सीमा तक पूंजीपतियों ने या फिर अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश किया है तो निश्चित तौर पे हमारे सामने जो नतीजे आएंगे उसमें यह बात साफ होगी कि जो संपन्न राज्य हैं उन वहाँ पर ज़्यादा निवेश हुआ है जो संपन्न राज्य नहीं है वहाँ पर निवेश कम हुआ है तो ये एक बदलाव आया है और दूसरे स्तर पर वित्त आयोग की जो हमने आ, का जो हमने उल्लेख किया उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है संविधान की धारा 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है आ, पहली बार यह उन्नीस में अस्तित्व में आया इस आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए अपनाया गया है इस संदर्भ में योजना आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है आ, इसकी स्थापना केंद्रीय कैबिनेट द्वारा की गई थी और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के बारे में जो बुनियादी बात है वह यह कि ये संविधान के द्वारा गठित संस्था नहीं है नहीं रहे हैं बल्कि एक कैबिनेट आदेश के द्वारा इनका गठन किया गया है असल में आज़ादी के बाद के से ही एक अनौपचारिक अंतर सरकारी फोरम का प्रावधान रहा है जि, जिसे केंद्र सरकार की पहल पर गठन किया जाता रहा है इसका मतलब यह है कि जो संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान है उसकी तुलना में उन संस्थाओं को महत्व दिया गया है जिसे केंद्र सरकार ने अपनी पहल पर गठित किया जिनका उद्देश्य राज्यों के साथ एक तरह का समन्वय स्थापित करना था विभिन्न मसलों पर योजना आयोग का भी यही काम था नीति आयोग का भी यही अभी यही काम है कि वह एक तरीके से आर्थिक मुद्दों पर आ, विकास योजनाओं के संदर्भ में आ, एक समन्वय स्थापित करें राज्यों के साथ उन्हें संसाधनों के आवंटन में भी एक तरह की भूमिका अदा करें कई ऐसे और आ, संस्थाएं रही हैं मसलन शिक्षा के मामले में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन काम करता रहा है जिसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री के हाथों में होती है और ऐसे कई अन्य अनौपचारिक इनफॉर्मल जो और, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं उनका जिक्र कर सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो और संविधान के प्रावधानों की बात करें तो एक तरफ तो संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था है दूसरे संविधान के अनुच्छेद दो में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है लेकिन उन्नीस तक इसका उपयोग नहीं किया गया सबसे पहले वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इसका गठन किया लेकिन यह भी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे राज्य स्तरीय दल अन्य माध्यमों से अपना काम करवा लेते थे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अंतर सरकारी संबंधों में अभी भी अनौपचारिक तरीके से गठित संगठनों का ही महत्व है और ये संगठन ही ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के साथ विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श करने या समन्वय स्थापित करने की बात करती है उसमें राष्ट्रीय एकता परिषद भी एक संगठन है जिसका गठन एक बार फिर से केंद्र सरकार की पहल पर किया गया था जिसका कि काम है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकता अखंडता भाईचारे के मसले पर एक समझ बनाई जाए जो अलग अलग तरीके की विवादास्पद मुद्दे राज्यों के बीच में उठते हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाए तो यह अपने आप में एक आ, केंद्र की ज़्यादा मज़बूत स्थिति को भी दिखाता है संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करने के बजाय हमेशा ही अनौपचारिक अंतर सरकारी फोरम का उपयोग किया गया जिनका गठन कैबिनेट के प्रस्तावों से होता रहा तो ये एक स्थिति रही है कि आ, सरकारों के बीच में अलग अलग सरकारों के बीच में जो राज्य में मौजूद हैं वो और केंद्र सरकार के बीच में जो संबंध हैं उनका नियमन किन प्रकार किस प्रकार के संगठनों के द्वारा हुआ है भारतीय संघवाद की एक जो प्रमुख विशेषता है उसको हम क्षेत्रीय दबावों के संदर्भ में भी समझ सकते हैं संविधान में जो असिमेट्रिकल फीचर्स को अपनाया गया वह भी अलग अलग जो क्षेत्र थे उनके दबावों को मद्देनज़र ही अपनाया गया बाद के दौर में भी कई अलग अलग राज्यों में विभिन्न कारणों से असंतोष उबलकर सामने आया लोगों ने स्थानीय स्तर पर गहरा विरोध दर्ज किया कई बार वो केंद्र के प्रभुत्व के के खिलाफ हुआ कई बार जो अस्मिता का मुद्दा था उसके कारण से हुआ और इन सभी दबावों ने केंद्र को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह राज्य स्तर पर जो मांगे हैं उनको सुनें समझें और उनको एकोमोडेट करने की उनको समायोजित करने की उनको एक सम्मान पूर्वक तरीके से सुलझाने की कोशिश करें और इसी संदर्भ में हम उत्तर पूर्व पंजाब कश्मीर आदि के जो आंदोलन है उनका जिक्र कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही जो राजीव गांधी की सरकार के समय जो अलग अलग तरीके के समझौते हुए पंजाब और असम में उन्नीस में मिज़ोरम में उन्नीस में और त्रिपुरा में उन्नीस में उसमें कई समूहों के साथ समझौता किया गया मिजोरम के साथ उन्नीस में समझौता हुआ था तो इनके माध्यम से शांति स्थापित करने की कोशिश की गई ये जो अलग अलग तरीके के दबाव थे हम यह कह सकते हैं कि उसमें राज्य सरकार ने सॉरी केंद्र सरकार ने इन दबावों से निपटने के लिए अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय अलग अलग तरह की रणनीतियाँ अपनाईं और उसमें हम एक कोई लकीर के फकीर की तरह नहीं कह सकते हैं कि हर एक सरकार ने एक ही तरह की रणनीति अपनाई और यहाँ पर मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा धारा तीन को ख़त्म करने के मोदी सरकार के कदम की और इस पूरे कदम में यह एक जो संदेश है वो साफ है कि जो एक असीमेट्रिकल फीचर्स जम्मू और कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था संघवाद का उस असीमेट्रिकल फीचर को नरेंद्र मोदी की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और इसने धारा 370 को ख़त्म किया धारा तीन को खत्म करने का जो आ, फैसला है उसमें कई तरीके की पेचीदगी जुड़ी हुई है और अभी यह मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है लेकिन जो खास बात है वह यह कि यहाँ पर एक प्रवृत्ति हमें साफ़ तौर पर दिखती है कि विशिष्टता को स्वीकार करने के बजाय केंद्र की तरफ से एक अलग तरीके से क्षेत्र को अपने भीतर समायोजित करने की मंशा और यह अलग तरह है सीधे तौर पर नियंत्रण के माध्यम से लेकिन ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी मामलों में इसी तरह की रणनीति अपनाई है अब अगर हम इस संदर्भ में जनवरी 2020 में असम के बोडो क्षेत्रों के विद्रोही समूहों से समझौता करने की असम सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को देखें तो यह बात सामने आती है कि यहाँ पर दोनों ही सरकारों ने केंद्र सरकार ने और असम की राज्य सरकार ने बोडो विद्रोही समूहों की बहुत सारी मांगों को स्वीकार किया है और उसकी यह कोशिश है कि इन समूहों की अलग अलग मांगों को स्वीकार करके जिसमें कि ज़्यादा स्वायत्तता की मांग है राज्य सरकार से जिसमें स्थानीय स्तर के मामलों पर जो वहाँ की काउंसिल है उसकी आवाज़ को ज़्यादा महत्व देने की मांग है तो इन सब मांगों को स्वीकार करके वहाँ की विद्रोही गतिविधियों का दमन करने या हम कहें कि उसे शांत करने की कोशिश की गई है बल प्रयोग का सहारा ना लेकर समझौते का सहारा लिया गया है तो यह एक प्रवृत्ति है जो कि सरकारें अलग अलग मसलों पर अलग अलग तरीके से अपनाती रही हैं और इसी संदर्भ में हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो क्षेत्रीय दबाव हैं वह कई बार आ, जो संघ की पूरी प्रकृति होती है उसे बदलने का काम करते हैं उसके कारण से जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है उसे कई बार कमज़ोर होता हुआ हम देख सकते हैं कई बार दूसरी तरह की चीज़ें भी होती हैं लेकिन अगर हम अपने देश के संदर्भ में विचार करें तो हम यह कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी जो अलग अलग तरीके के क्षेत्रीय दबाव आएँ उन्होंने एक तरीके से संघीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम किया जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने का फैसला इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फैस इस तरह का फैसला करने वाली सरकार भी सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय शक्ति के प्रयोग की राजनीति कर रही है उसकी भी यह कोशिश है कि अन्य मामलों में वह क्षेत्रीय दबावों को एकोमोडेट करे उनकी मांगों को स्वीकार करे तो यह एक पूरी प्रवृत्ति है जिसने जिसे हम अपने संघीय व्यवस्था में देख सकते हैं संविधान में तिहत्तरवाँ और चौहत्तरवाँ संशोधन हुआ और उसके बाद तिहत्तरवें संशोधन के बाद पंचायती राज की व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली और चौहत्तरवें संशोधन के बाद शहरी निकायों की व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली और अब देश के अधिकांश भागों में हम कह सकते हैं सभी भागों में इस तरह की व्यवस्था है कि वहाँ पंचायती राज संस्थाएँ बेहतर तरीके से काम कर रही हैं उनका अपना बजट होता है कुछ हद तक आ, कम होता है लेकिन ज़रूर होता है स्थानीय स्तर पर वे आ, छोटे छोटे कामों को अपने हाथों में ले सकती हैं हालांकि अभी भी उसकी सीमा में वृद्धि करने की आवश्यकता मानी जा सकती है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि तीसरे स्तर पर भी कुछ शक्तियों का उपयोग करने वाले निकायों का गठन हो चुका है और इस लिहाज से आ, एक तरीके का संघवाद तीसरे स्तर तक पहुँचा है आ, हम इस पूरे मसले पर कि जो तीसरे स्तर पर पंचायती राज और शहरी निकाय की व्यवस्था है उसका उसके प्रावधान क्या है उसका अनुभव क्या है उस पर हम एक अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ मैं सिर्फ़ इस बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था या शहरी निकायों की व्यवस्था को हम संघवाद के कदम को और बढ़ने के रूप में देख सकते हैं हम यह देख सकते हैं कि जो संघवाद की प्रवृत्ति है अब वह ग्रासरूट लेवल तक पहुंच रही है इसके बाद हम अगर दलीय व्यवस्था और गठबंधन सरकार की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में उन्नीस के बाद जो परिवर्तन दलीय व्यवस्था में आ, हुआ है वह वो उन परिवर्तनों ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कमज़ोर किया है जो गठबंधन सरकारें बनी हैं वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रही हैं और उसके कारण से वो जो उनकी एक शक्ति रही है केंद्र राष्ट्रीय दलों की वह कमज़ोर हुई है और क्षेत्रीय दल अपनी मांगों को मनवाने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं तो ये भी एक तरीके से संघीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली घटना रही है अब इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह या या प्रश्न किया जा सकता है कि क्या 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है अकेले दम पर उसने इस प्रवृत्ति को कमज़ोर किया है 2019 में इस सरकार की फिर से वापसी हुई भाजपा को जीत मिली आ, लेकिन आ, इसमें कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है एक बात तो निश्चित तौर पर सामने आती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार काफ़ी मजबूती से डटी हुई है और यह एक क्षेत्रीय दल पर इस तरीके से निर्भर नहीं है कि अगर कोई क्षेत्रीय दल अपना समर्थन वापस ले लेता है तो इसका अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा और ये भी बात सही है कि कोई भी क्षेत्रीय दल सरकार पर अत्यधिक दबाव डालकर अपना काम कराने की स्थिति में नहीं है लेकिन कुछ मामलों में अभी भी जो मोदी सरकार है वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है राज्यसभा में अभी भी इसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है कई बार कई मामलों पर इसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ता है दूसरा कि अगर हम आ, रियल पॉलिटिक या वास्तविक राजनीति की बात करें तो कई मामलों में कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की जो मांगें होती हैं उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है लेकिन निश्चित तौर पर यह स्थिति वैसी नहीं है जहाँ पर सरकारें केंद्र सरकार राज्य की जो क्षेत्रीय दल होते थे उनके समर्थन पर निर्भर होती थी अभी जो स्थिति है उसमें केंद्र की सरकार काफ़ी मजबूत स्थिति में है और निश्चित रूप से जो इसने कई मज़बूत फैसले लिए मजबूत इस अर्थ में कि वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर सरकारों के लेना मुश्किल था मिसाल के तौर पर धारा 370 को खत्म करना तो वो सारे फैसले इसकी एक मज़बूत स्थिति को ही दर्शाते हैं और इस लिहाज से यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की संजीकरण की प्रवृत्ति यानी कि घटकों के राज्यों के प्रांतों के मजबूत होने की प्रवृत्ति उन्नीस सौ नवासी के बाद सामने आ रही थी वह काफ़ी हद तक रुकी है या थोड़ी बहुत विपरीत दिशा में भी आगे बढ़ी है अब क्षेत्रीय दल केंद्र की राजनीति को अपने बलबूते पर पूरी तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है जैसा कि वो पहले हुआ करते थे आ, लेकिन निश्चित रूप से आ, एकदम से पूरी तरीके से ऐसी स्थिति नहीं आई है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर ही सब कुछ नियंत्रित करने का दावा कर सके अभी भी एन डी की सरकार है और घटक दलों की आवाज़ का कम ही सही लेकिन महत्व तो ज़रूर है अगर हम न्यायिक व्याख्या की बात करें जिसका जिक्र मैंने पहले किया था तो उसने भी काफ़ी हद तक स्थिति में बदलाव किया है केंद्र राज्य संबंधों के हरगोविंद पंत वर्सेज रघुकुल तिलक एंड अदर्स मामले में 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राज्यपाल भारत सरकार के अधीन नहीं होता बल्कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है बहरहाल इसका कुछ ज्यादा असर राज्यपालों की स्थिति पर नहीं पड़ा और शायद ही कोई ऐसा राज्यपाल होगा जो यह मानकर चलता होगा कि वो भारत सरकार के अधीन नहीं है एस आर बोमई एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स यह मामला काफी महत्वपूर्ण है इसमें जब एस आर बोमई की सरकार को बर्खास्त किया गया राजीव गांधी की सरकार के द्वारा उन्नीस में तो वो सर्वोच्च न्यायालय गए और उसी समय उन्नीस में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने भाजपा के शासन वाले राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ये सरकारें भी सर्वोच्च न्यायालय में गई थी तो उसका इन सभी मामलों को एक साथ क्लब कर दिया गया और इसमें जो उन्नीस में निर्णय आया उसमें इसने यह कहा कि आ, जो धारा तीन है अनुच्छेद तीन सौ छप्पन उसके इस्तेमाल के संदर्भ में राष्ट्रपति अपने व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव सोच के अनुसार काम कर सकता है लेकिन ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट या आर्बिट्ररी असीम या मनमाना सोच नहीं होता है और जब इसका प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद कुछ सामग्री और प्रमाण के आधार पर होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय उन सामग्री या प्रमाणों की वस्तुपरकता की या ऑब्जेक्टिविटी की जांच कर सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति बिना बताए किसी राज्य को बर्खास्त कर दे उसे यह बताना पड़ेगा कि ये ये स्थितियाँ थी और इसके कारण उसने राज्य सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है तो और सर्वोच्च न्यायालय उन स्थितियों की बारे में जांच कर सकता है तो यह एक ऐसा फैसला था जिसने कि एक तरीके से रोक लगा दी धारा तीन के मनमाने उपयोग पर और इससे भी राज्यों की स्थितियां काफ़ी मजबूत हुई क्योंकि पहले राज्य सरकार काफ़ी हद तक इस डर में रहते थे कि अगर वो केंद्र के खिलाफ कुछ ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो उनके सरकार के अस्तित्व को ही खतरा हो जाएगा इसके अलावा केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना की मान्यता के विचार को मान्यता प्रदान की और संविधान को इसका एक अभिन्न अंग माना और इसमें यह माना गया कि जो एक संघीय ढांचा है वह भी एक भाग है संविधान के बुनियादी ढांचे का तो इस लिहाज से संघवाद को एक विशिष्टता के रूप में या एक विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया काफ़ी हद तक मैंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि 2014 के बाद की स्थिति में जो नरेंद्र मोदी की सरकार का आगमन है उसका संघवाद के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ा उसको हम कैसे देख सकते हैं वर्तमान सरकार के में अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि सहयोगी संघवाद होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म होना चाहिए लेकिन बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी उभर कर सामने आई हैं जो कि संघीय ढांचे के आदर्श के खिलाफ जाती हैं और वो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसे अगर हम भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो उसे हम खतरनाक मान सकते हैं मिसाल के तौर पर राज्यपालों की भूमिका अलग अलग समय में अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि वो काफ़ी संदेहास्पद रही हैं और वह केंद्र सरकार को लाभ पहुंचाने वाले एजेंट के रूप में ही काम करते रहे हैं तो एक जो एक रघुकुल तिलक मामले में जो एक स्वतंत्र स्तर पर राज्यपाल की परिकल्पना की गई थी वह परिकल्पना अभी भी सही साबित नहीं हो पा रही है अभी भी आ, उसी तरीके से आ, जोड़ तोड़ करके आ, जो विपक्षी दल की सरकारें हैं उनको नियंत्रित करने या उनको आर्थिक मामलों में ज़्यादा संसाधन ना देने या उनकी सरकारों को गिराने की जो राजनीति है वो चल रही है तो इस लिहाज से हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो पूरा ढांचा है उसे गंभीरतापूर्वक लागू करने का कोई प्रयास किया गया है जी के रूप में एक नया प्रयोग हुआ है आ, लेकिन आ, इसका संघीय ढांचे पर बहुत अच्छा या सकारात्मक प्रभाव हुआ हो ऐसा अभी कोई साफ संकेत नहीं मिलता नीति आयोग तकरीबन योजना आयोग की तरह ही राज्यों को अपने दरवाजे पर खड़े रखने में एक संतोष का अनुभव करने वाले संस्था के रूप में सामने आई है तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिससे हम यह नहीं कह सकते कि भारत सहयोगी संघवाद यानी कि एक ऐसा संघवाद जहाँ पर जो घटक हैं और जो केंद्र है उसके बीच में आपसी एक तरीके का तारतम्य हो एक तरह की समझ हो और फिर विकास का काम आगे बढ़े उस दिशा में आगे नहीं बढ़ा है भारत और जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जो संगीकरण की प्रवृत्ति पहले से उन्नीस के बाद से उभर कर सामने आ रही थी उसमें भी थोड़ी रोक लगी है हालांकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से ही जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वो केंद्र सरकार पर निर्भर हो चुकी हैं क्योंकि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं और वो अपनी आवाज़ या अपनी मांगों को सही तरीके से बुलंद कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति जरूर आ गई है जहाँ पर जो प्रक्रिया उन्नीस सौ नवासी के बाद में शुरू हुई थी उसमें एक तरह का ठहराव आ गया है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में जो संघवाद की पूरी व्यवस्था है उसमें केंद्र की के तरफ झुकाव है लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कई मौक़ों पर केंद्र सरकार को राज्यों की मांगों को सुनना पड़ा है उनका समायोजन करना पड़ा है और एक ऐसी राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया भी चली है जिसमें राज्यों की स्थिति ज़्यादा मजबूत हुई है हालांकि पिछले कुछ समय में उसमें हम एक ठहराव देख सकते हैं तो ये संघवाद की जो हमारी पूरी चर्चा है उससे मुझे यह उम्मीद है कि आपको भारतीय संघवाद और इसे आए उतार चढ़ाव के बारे में एक समझ बनाने में सामान्य समझ बनाने में मदद मिली होगी और आप इसके बाद अन्य पुस्तकों को पढ़ते हुए अपने समझ को और गहराई प्रदान करने का प्रयास करेंगे भारतीय संघवाद पर अपनी इस चर्चा को मैं यही विराम दूंगा और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.